गोली। तो गाइस यार पता नहीं लोग जो है बोर क्यों हो जाते हैं। अगर मेरा जैसा कोई हो ना तो भाई वो तो बोर हो ही नहीं सकता, उसके पास हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो जरूर होगी। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है यहाँ पर ये चीज देखो, वाओ ये है गाइस छोटी छोटी सी मिसाइल्स। देखो ये जो छोटी कैनिस्टर है इसके अंदर भरी हुई है CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी 800 PSI के प्रेशर पर। और आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि हम इस कमाल की चीज़ के साथ में और कौन सा दूसरा कमाल कर सकते हैं। तो अब देखो काफ़ी बड़ा पाइप है 3x4 का, और यहाँ पर मेरे पास इसकी कुछ फिटिंग्स है देखो, जो कि कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट हो जाती है। और ये वाला जो फिटिंग है ये इस वाले पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है देखो, और ये जो छोटी सी मिसाइल है ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से चली जाती है। अब हमें बस एक चीज करनी है और फिर देखना क्या धमाल कमाल होता है। ये निकल गया, और अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्क्रू लेंगे कुछ इस तरीके का, और इसे जो है इसके बिल्कुल बीच के अंदर कस देंगे। बस हो गया, और अब यहाँ पर हमने इस छोटे वाले पाइप के अंदर ये छोटा सा बोल्ट फंसा रखा है ताकि हमारा ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल सेंटर के अंदर रहे। और अब हम इस चीज़ को फिट कर देते हैं इस वाले पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से, और गाइस ये बन के तैयार हो गई हमारी रॉकेट लॉन्चर, यानी कि मिसाइल लॉन्चर। और हमारी जो मिसाइल है वो है ये। अब ये काम कैसे करती है, काफ़ी सिंपल सा फंडा है देखो। जैसे ही मैं इस मिसाइल को इस पाइप के अंदर यहाँ से कुछ इस तरीके से डालूंगा, ये नीचे जाएगी और वो जो स्क्रू है वो इसे पिंचर कर देगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो बाहर चलते हैं, इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि यार कि हमारा ये जो सिंपल सा आइडिया है ये काम करता है या फिर नहीं। तो चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ फटाफट से। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार ये आ गए हम बाहर, और ये रही हमारी मिसाइल्स जो कि बहुत सारी है। जो आइडिया है वो भी काफी सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस पाइप को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और इसे जमीन पे कुछ इस तरीके से रखते हैं, और फिर हम हमारी मिसाइल लेते हैं और उसे इस पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। 1 2 3 ओ किधर गई, ओ तेरी कहाँ गई, अरे किधर गई वो तेरी। तो गाइस देखा आपने हमारी जो मिसाइल है वो और इतनी ऊपर तक गई कि हमें दिखना ही बंद हो गया, और वहां से इतनी दूर आके गिरी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज है कितनी कमाल की है और कितनी पावरफुल है। तो गाइस यार होता है ऐसा है कि जैसे ही ये जो CO2 है वो पिंचर होती है, इसके अंदर जो 800 PSI के ऊपर CO2 गैस भरी हुई है वो एकदम से रिलीज होती है, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से ये रॉकेट बन जाती है। एक बार फिर से देखना, देखना 1 2 3 वो गई, वो तेरी वो गिरी वहां पे। तो गाइस यार ये है छोटी वाली मिसाइल और ये है बड़ी वाली मिसाइल, अब आप देख सकते हैं। तो चलो बड़ी वाली को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितना मजा आता है। ठीक है 1 2 3 वो तेरी, ओ भाई साहब देखो अभी तक भी आसमान में अभी जाके गिरी है। गाइस यकीन मानो यार, मतलब कि बहुत हाइट के अंदर गई, बहुत ज्यादा। तो गाइस यार ये इतनी पावरफुल होती है कि इसकी मदद से हम कोई बड़ा रॉकेट भी बना सकते हैं, तो चलो उसे भी ट्राई करते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली काफी बड़ा PVC का पाइप लिया है, और इस बार हम उसी गैस कैन की मदद से इतने बड़े पाइप को भी उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसे उड़ा के ले जाएगी तो यकीनन इसकी मदद से हम रॉकेट भी बना सकते हैं। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म, तो चलो अब इसे ट्राई करते हैं 1 2 3 ये गया, ये कैन गई,
Awesome guys. Guys, आपने देखा कि इसने इतने बड़े पाइप को आसानी से उठा लिया, यानी कि हम इसे रॉकेट का शेप देके, रॉकेट का नोज मतलब मॉडल बना के उस कैन की मदद से आसानी से उड़ा सकते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, तैयार है ना? एक दो तीन। Amazing. भाई एकदम रॉकेट की तरह गई। तो गाइस देखा आपने, मजे लेने वाला होना चाहिए, किसी भी चीज से मजे लिए जा सकते हैं। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बॉडी वाली भयंकर थी यार, है ना? लेकर वापस लेकर और उड़ाते हैं। ओसम, मजा आ गया। डोंट ट्राई।